नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे कक्षा 6, जो हमारा राजस्थान की बुक है वो, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें अपन ने लेसन 1, 2, 3 का टेस्ट दोस्तों कर लिया है कल। और आज दोस्तों आपको दिया हुआ था पढ़ने के लिए पाठ 4, 5 और 6, तो आज अपन 4, 5 और 6 का टेस्ट करेंगे। टेस्ट की सूचना है वो टेलीग्राम पर दे दी जाती है, यदि आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेवें। पहला क्वेश्चन, ये चौथा लेसन है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। पहला क्वेश्चन देखिए, धातुओं में सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, लोहा, सोना या इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं में सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, ये चौथे लेसन का जो पहला पेज है उसी में दे रखा है। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था, किसका? तांबे का। और सबसे पहले पशुओं में पालतू कुत्ते को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन, ये है कि निम्न में से कौन सा एक ताम्र सभ्यता के अवशेष से संबंधित नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन सा एक ताम्र सभ्यता के अवशेष से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़ या रेट? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेट। ये दोस्तों टोंक में पड़ता है रेट। और जो चौथा लेसन है उसका लास्ट पेज है उसमें नीचे एक पट्टी दे रखी है दोस्तों, मतलब नीचे नीचे लाइन उनमें दे रखा है, जो लोहकालीन सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? हनुमानगढ़, कालीबंगा, झुंझुनू, सुनारी, चित्तौड़गढ़ नगर, राजसमंद, गिलुंड। तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में, सुनारी है वो झुंझुनू में, नगर है वो चित्तौड़ में, राजसमंद है वो गिलुंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ये दोस्तों नगर सभ्यता स्थल है, ये टोंक में पड़ता है, और नगरी है वो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन, ये है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? अच्छा क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता स्थल की खुदाई किसके निर्देशन में हुई या किन के निर्देशन में हुई? अमलानंद घोष व बीबी लाल, अमलानंद घोष व बी के थापर, बीबी लाल व बी के थापर या मार्टिमर व्हीलर। तो कालीबंगा सभ्यता स्थल की खुदाई है वो किसके निर्देशन में हुई थी? तो बीबी लाल व बी के थापर। खोज हुई थी अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, ये है कि कालीबंगा सभ्यता के अवशेष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता स्थल के अवशेषों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए वाला है कि खोज अमलानंद घोष, खुदाई बीबी लाल व बी के थापर। दूसरा देखिए, पानी निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां मिली है। सी वाला देखिए, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य दर्पण मिले हैं। डी वाला, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच के हार, यानी कांच के गले के हार मिले हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। हाथी दांत का कंगा मिला है सही है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं सही है, कांच का हार नहीं मिला गले का। यहाँ पर दोस्तों मणियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? मणियाँ, ठीक है, कांच की मणियाँ मिली है। तो ये दे रखा है किताब में, देख सकते हैं आप। डी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, डी वाला। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आहाड़ सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आहाड़ सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आहाड़ सभ्यता स्थल आहाड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, औजार निर्माण का केंद्र रहा, ये आहाड़ है वो औजार निर्माण का केंद्र रहा था, मुख्यतः लोहे के औजार यहाँ पर बनाए जाते थे। सी वाला ऑप्शन देखिए, 10वीं व 11वीं सदी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। डी वाला ऑप्शन देखिए, कुछ मुख्य विशेषताएं, बांस की पर्दी कमरों का विभाजन, यानी कमरों को बांटने के लिए बांस की पर्दी निकाल करके उसके ऊपर गारा लेप दिया जाता था। संयुक्त परिवार, यानी यहाँ पर दोस्तों
6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार के साक्ष्य को दर्शाते हैं, 6 तांबे की मुद्राएं और धूपदानियां, इनमें से कौन सा युगम या कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है वो असत्य है, बाकी सारे के सारे सत्य है। औजार निर्माण का ये केंद्र था लेकिन लोहे के नहीं, तांबे के, ठीक है, इसीलिए इसे ताम्रवती कहा जाता था, ताम्रवती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? गणेश्वर, अहाड़, बालाथल या विराट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ही रहा, बालाथल सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभ्यता स्थल उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील में मिला, यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कृषि, पशुपालन, शिकार, कर्णफूल, गले के हार की लटकन मिली है, ताम्र पाषाणकालीन अवशेषों के साथ साथ लोहे काल के अवशेष मिले हैं, बाण, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक मिले हैं। तो देखिए 3 ऊपर वाली विशेषताएं सही है, इसमें देखिए दोस्तों जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। मछली पकड़ने के जो कांटे हैं, बाण हैं और उस तरह के फलक है, ये मिले हैं गणेश्वर सभ्यता स्थल से, बणागर भी गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिले, तो डी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ? विराट, गणेश्वर, अहाड़ या बालाथल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विराट से। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़ों के अवशेष मिले? अच्छा प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़ों के अवशेष मिले? तो जल्दी से आप इसका उत्तर है वो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल मुख्यतः लोहे काल से संबंधित नहीं है? विराट, गणेश्वर, सांबर या भागोर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी वाला ऑप्शन गणेश्वर। विराट, सांबर, बागोर, यहाँ से लोहे काल के अवशेष मिले हैं और मुख्यतः दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित था, ठीक है। जो पेज नंबर है आपका, आपको बता देता हूँ, 21, उसमें नीचे वाली लाइन है वो आप पढ़ना, उसमें दे रखा है उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, ओझियाणा, जयपुर में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहा, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहे काल की संस्कृतियों को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः लोहे काल से संबंधित कौन सा नहीं है? तो गणेश्वर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन ये है कि विराट सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विराट सभ्यता स्थल जयपुर जिले में स्थित है, बीजिक व भीम डूंगरी का संबंध इसी से है, यानी यहाँ पर जो विराट है यहाँ पर बीज की पहाड़ी, ठीक है, और भीम डूंगरी ये पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में उल्लेख, यानी इस सभ्यता स्थल का महाभारत में उल्लेख मिलता है, और मत्स्य जनपद
महाभारत में जो विराट सभ्यता स्थल है इसका उल्लेख मिलता है मत्स्य जनपद के रूप में, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर। फिर देखिए, मौर्य काल का प्रमुख केंद्र था ये। 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की यहाँ पर मुद्राएं मिली है। फिर देखिए, नाचता हुआ पक्षी, शैलचित्र, पत्थर की संदूक, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, नाचता हुआ पक्षी यहाँ से मिला है, सही बात है। पत्थर की संदूक भी मिली है, सही बात है। पत्थर की संदूक भी मिली है, नाचता हुआ पक्षी भी मिला है, हाथ से बुना हुआ वस्त्र, हाथ से बुना हुआ वस्त्र यहाँ से भी मिला है और बलातल से भी मिला है, लेकिन शैल चित्र नहीं मिले हैं। शैल चित्र मिले जो गड़दड़ा सभ्यता स्थल था बूंदी में, वहां से। अगला देखिए, पंचमता सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? पंचमता सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? राजसमंद, बूंदी, टोंक या भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमता सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपीनों का उनको पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? किस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपीनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? आहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बालाथल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर से। अगला देखिए, पाठ है 5वां, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड केनिन या लॉर्ड मिंटो? तो 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे, लॉर्ड केनिन। कौन बने थे? लॉर्ड केनिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो कथन आपके सामने है। पहला कथन देखिए, कथन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1 जुलाई 1937 को लागू हुआ। फिर देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए जो प्रथम चुनाव है वो 1952 में हुए। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। सी देखिए, बख्शी, इसका कार्य सेना को वेतन देना और सेना संबंधी कार्य थे। परगना प्रशासन की एक उप इकाई या इकाई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से पहला ही कथन है वो सत्य नहीं है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, ये 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1937 को, ना कि 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भारतीय महामरुस्थल में शामिल जिले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय महामरुस्थल में शामिल जिले हैं, तो जल्दी से आप बताइए। भारतीय महामरुस्थल में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। फिर बै वाला ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। से वाला ऑप्शन है चूरू, बीकानेर, बाड़मेर। डी वाला है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बै वाला ऑप्शन, भारतीय महामरुस्थल में बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये जिले शामिल हैं। राजस्थान अध्ययन में दे रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? थार के मरुस्थल के अंतर्गत 12 जिले आते हैं। 61% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। बी वाला ऑप्शन देखिए, अरावली 9% भाग पर फैली है, जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। फिर देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है, जो मध्य अरावली में स्थित है। फिर देखिए, पूर्वी मैदान है वो 23% भाग पर फैला है, 40% जनसंख्या निवास करती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सारे ही कथन सही है ऊपर वाले, तो ये और ये। सी वाला कथन है वो सत्य नहीं है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत 12 जिले सही है। 61% क्षेत्रफल, 40% जनसंख्या, अरावली 9% भाग पर, 692 किलोमीटर, खेड़ बर्मा से पालनपुर तक। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, लेकिन ये दक्षिण अरावली में स्थित है। कहाँ? दक्षिण अरावली, सिरोही, ठीक है, माउंट आबू सिरोही। फिर देखिए, ये सही है बिल्कुल, पूर्वी मैदान 23% भाग, 40% जनसंख्या। तो सी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कोटा से धौलपुर तक नाली अपरदन के कारण भूपृष्ठ पर अत्यधिक उबड़
भूपृष्ठ अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे बीहड़, डांग, उत्खात भूमि कहा जाता है, यह किस नदी का परिणाम है? तो बेडलैंड, बनास, माही, चंबल या पार्वती? तो ये चंबल नदी। एक क्वेश्चन है दोस्तों, डांग की रानी किसे कहा जाता है, आपको कमेंट में बताना है डांग की रानी। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न ये है कि हाड़ौती के पठार में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? हाड़ौती के पठार में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 12%, 11%, 7% या 40%? तो हाड़ौती का पठार है वो 7% भाग पर फैला हुआ है, यानी हाड़ौती का जो पठार है वो क्षेत्रफल कितना घेरता है? 7%। और जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर 11%। कितनी? 11%। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओझियाणा, लोथल या बालाथल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। तो ये था आज का टेस्ट। अगले टेस्ट की सूचना आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। अगले टेस्ट में अपनी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन करेंगे 7वीं क्लास। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।